हेलो गाइस, मैं गुफरान उस्मानी आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एमजी एग्जाम क्रैकर पर स्वागत करते हैं। दोस्तों, हमने त्रिकोणमिति की पिछली कक्षा में सीखा था, पिछली क्लास में सीखा था कि त्रिकोणमिति अनुपात को हम कैसे चेंज करते हैं, यानी कि जो 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट और कॉस कॉसेक, ये जो चेंज किए जाते हैं, कैसे चेंज किए जाते हैं और प्रथम से लेकर चतुर्थांश में कैसे, किन में कौन सा रेशियो प्लस होता है, कौन सा माइनस होता है, इसके बारे में हमने विधिवत सीखा था। आज हम सीखेंगे कि एक से लेकर चारों चतुर्थांश तक इनको हम जो 90 डिग्री, 180 डिग्री और 360 डिग्री को कैसे चेंज करते हैं, इनके बारे में हम सीखेंगे बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ में, और उसके बाद में हम इनके कुछ प्रश्नों को भी हल करेंगे। दोस्तों, इससे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है, लगभग आपका बोर्ड एग्ज़ाम मार्च में होगा, तो दोस्तों आप अपनी पढ़ाई पर मेहनत के साथ जुट जाइए और अधिक से अधिक अंक आप लाने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में जो मैथमेटिक्स होता है उनमें 30 नंबर जो प्रयोगात्मक कार्य के लिए होता है और 70 नंबर जो आपका होगा वो सैद्धांतिक प्रश्न पत्र होगा, जिनमें से त्रिकोणमिति और 7 प्रकार जो मैथ है इनमें से पूछा जाएगा। तो त्रिकोणमिति का जो आपका वेटेज है एग्ज़ाम आप पॉइंट व्यू से, उसमें 14 नंबर का होगा। तो दोस्तों, जो आपको पढ़ाया जा रहा है, अगर इन कॉन्सेप्ट को आप मजबूती के साथ पढ़कर उस पर अगर आप अपने आप को प्रैक्टिस में ला लेते हैं तो यकीन मानिए कि आप 14 में 14 अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमने सीखा था कि जो चेंज कैसे किया जाता है, तो एक बार मैं रिवाइज करा दूं कि साइन का चेंज होता है कॉस में, ऐसे कॉस का चेंज साइन में, टैन का चेंज आपका हो जाएगा कॉट में, और कॉस का देखिए सेक का चेंज किस में होगा, कॉसेक में। अब हमने बताया था कि जो चतुर्थांश होता है प्रथम, इसमें कितना होता है, 0 से 90 डिग्री तक होता है, और दूसरे में 90 से 180 डिग्री तक, ऐसे तीसरे में 180 से 270 तक, चौथे में 270 से 360 तक, एक सर्किल पूरा करने में 360 डिग्री का कोण बन जाएगा। और दूसरी बात कि किस चतुर्थांश में किस कौन सा प्लस रखना है, कौन सा माइनस, तो पहले में क्या होता है, हमने एक फार्मूला आपको बताया था, एक शब्द बताया था ASTC। ASTC का मतलब क्या होता है, ए मतलब प्रथम चतुर्थांश, एस मतलब दूसरा, सी मतलब तीसरा और डी मतलब चौथा चतुर्थांश। इसका मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है आल, जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, त्रिकोणमितीय अनुपात पहले आप जान लीजिए क्या होते हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं जो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, इन सब को क्या किया जाता है, प्रथम चतुर्थांश में जब हम कोण निकालते हैं तो उनका मान सब क्या होता है, प्लस होता है। दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है कि साइन, एस का मतलब साइन और इसका उल्टा रिवर्स कॉसेक, तो ये दोनों प्लस में होंगे, तीसरे में टैन कॉट प्लस में होगा, चौथे में कॉस और कॉस कॉसेक और सेक प्लस में होंगे। अब देखिए इनको हम चेंज कैसे करते हैं, चलिए प्रथम चतुर्थांश की हम बात करते हैं। प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है कि आपका कोण 0 से लेकर 90 डिग्री होता है। 0 से लेकर 90 डिग्री को चेंज कैसे करते हैं, जैसे देखिए साइन आपका पहला है 90, अब देखिए 0 से लेकर 90 तक, यानी कि 90 से ज़्यादा नहीं हो सकता, इसलिए 90 माइनस थीटा, और थीटा की जगह पर कोई भी वैल्यू हो सकती है 0 से लेकर 90 तक। अब देखिए ऐसे आपका हो जाएगा टैन 90 माइनस थीटा, ऐसे आपका हो जाएगा सेक 90 माइनस थीटा। अब इनको चेंज कैसे करते हैं, हमने आपको बता दिया है कि साइन के चेंज किस में करते हैं, कॉस में, तो हम यहाँ पर कॉस लिख देंगे, कॉस थीटा। और यहाँ पर देखिए पहला चतुर्थांश है, पहले चतुर्थांश में हमने बताया है कि क्या होता है, सब प्लस में होता है, इसलिए यहाँ पर प्लस लगाने की आवश्यकता नहीं। और टैन का चेंज किस में होता है, कॉट में, और सेक का चेंज किस में होता है, कॉसेक में, हमने लिख दिया और बता दिया है कि पहले चतुर्थांश में सब क्या होते हैं, प्लस होते हैं, इसलिए प्लस होंगे। ऐसे आपका अगर कॉसेक 90 माइनस थीटा आता है तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कॉसेक चेंज किस में होता है, कॉसेक सेक में चेंज होता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक थीटा और प्लस होगा। ऐसे आपका अगर चेंज करने को आता है
कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस का चेंज किस में करते हैं, साइन में, इसलिए हो जाएगा साइन थीटा। और दोस्तों यहाँ पर जो ऊपर लिखा हुआ है 90 और 270 चेंज और 180 360 नो चेंज, इसका मतलब क्या होता है कि अगर जब भी हम कोण को चेंज करेंगे इनका मान निकालने के लिए 90 और 270 में, तो इनमें क्या होगा, रेशियो जो आपका होगा चेंज होगा। ये आपका जो दिख रहा है कि साइन का कॉस में, टेन का कॉट में, सेक का कॉसेक में, इसके अनुसार हम चेंज करेंगे किस में, 90 में और 270 में। लेकिन जब 180 और 360 में अगर तोड़ेंगे अंश को यानी डिग्री को मान निकालने के लिए, तब नो चेंज होगा। आइए, हमने पहला चतुर्थांश समझ लिया, अब हम समझते हैं दूसरे चतुर्थांश को। दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है दोस्तों, कि दूसरे चतुर्थांश में जो होगा, यहाँ पर देखिएगा कॉसेक 90, यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 होते हैं सब, हम लिख देते हैं कॉट 90 ऐसे। तो दोस्तों क्या होता है दूसरे चतुर्थांश में, क्या होता है 90 से लेकर 180 तक, तो 90 से लेकर 180 तक, इसका मतलब क्या हुआ, 90 प्लस थीटा, यहाँ पर जहाँ माइनस था इस सब को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे दोस्तों, कॉस 90 प्लस थीटा। और जैसे 90 प्लस थीटा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, 90 से ज़्यादा दूसरे चतुर्थांश में आप आ गए, तो इनमें क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिएगा हम चेंज, हमने क्या बताया, रूल लगाइए कि 90 270 में हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, यानी कि हमें पता चल गया कि साइन 90 प्लस थीटा है, इसलिए चेंज होगा। सबसे पहले ये आपका देखिए चेंज होगा, पॉइंट नंबर वन चेंज होगा 90 प्लस थीटा। दूसरा, साइन का किस में चेंज होता है, आपको पता है कि साइन का चेंज किस में होता है, कॉस में होता है, इसलिए हमने लिख दिया कॉस थीटा। ऐसे टाइम का चेंज किस में होगा, कॉट थीटा, सेक का कॉसेक थीटा, और ऐसे कॉसेक का सेक थीटा, और कॉट का टेन थीटा, ऐसे एक और आपका बचा, कौन सा बचा, देखिए साइन कॉस, साइन टेन, सेक कॉसेक, कॉट। अब देखिए इसमें क्या होगा कि आपको हमने बताया कि दूसरे चतुर्थांश में एस, एस मतलब साइन कॉसेक, साइन और कॉसेक का जो चेंज होगा वो प्लस होगा, तो हम यहाँ पर देखिए साइन का यहाँ पर प्लस होगा और कॉसेक का प्लस होगा, बाकी सब जगह क्या हो जाएंगे आपके माइनस। तो जो कॉसेक से चेंज होगा और साइन से चेंज होगा वो आपका प्लस बन जाएगा, बाकी जो क्या होगा बचेगा आपका नेगेटिव हो जाएगा। अब दूसरा देखिएगा दोस्तों, हमने क्या बताया कि 90 और 270 में चेंज होता है, अगर इसको एक तरीके ऐसे भी लिख सकते हैं कि 90 प्लस थीटा क्या होगा दूसरे चतुर्थांश में, 90 से ज़्यादा 180 से कम दूसरे चतुर्थांश में, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि 180 माइनस थीटा, मतलब यहाँ पर 90 से ज़्यादा और 180 से कम है, तो अगर हमने 90 प्लस कर दिया तो तब भी दूसरे चतुर्थांश में, और 180 माइनस कर दिया तब भी दूसरे चतुर्थांश में होगा, तो इनको हम ऐसे ही लिख सकते हैं कि 180 माइनस थीटा। तो जब 180 माइनस थीटा होगा तब दोस्तों इनको कैसे चेंज करते हैं, आइए समझते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, क्या होगा, साइन कॉस टैन सेक कॉसेक, देखिए क्या होगा यहाँ पर 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, और यहाँ पर भी 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। अब देखिएगा दोस्तों हमने क्या बताया है कि 90 और 270 में चेंज, सबसे पहले अगर आपको जब पूछा जाएगा क्वेश्चन तो आप देखेंगे कि किस चतुर्थांश में, तो हमने देखा 180 माइनस थीटा, यानी कि किस चतुर्थांश में है, 180 मतलब कि आपका चेंज होगा या नहीं होगा, तो 180 का मतलब नो चेंज।
अब पहला पता चल गया नो चेंज होगा, यानी कि साइन का हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन ही लिखेंगे। अब देखिए हो गया आपका, अब देखिए सब आपके क्या हो जाएंगे, नो चेंज यानी कि कॉस का कॉस थीटा, टैन का टैन थीटा, और सेक का सेक थीटा, और कॉसेक का कॉसेक थीटा। अब देखिए हमने बताया है कि आपने पहले देखा कि किस चतुर्थांश में, उसके बाद में आपने ये देखा कि चेंज होगा या नहीं होगा, किसके बेस पर, डिग्री के पर, 180 या 90 के बेस पर आप देखेंगे कि चेंज होगा या नहीं होगा। अब देखिए हम ये देखेंगे कि दूसरे चतुर्थांश में कौन प्लस होते हैं कौन माइनस, तो हमने आपको बताया कि साइन और कॉसेक प्लस होते हैं, यानी कि साइन का जो साइन से चेंज होगा वो प्लस होगा, कॉसेक से जो चेंज होगा प्लस होगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे माइनस। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि हमने पांच ही क्यों बताया, छठा क्यों नहीं बताया, तो छठा ये आपके लिए होगा, आप उसे करेंगे और समझेंगे। तो दोस्तों अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि अगर जब सवाल हमसे हल करेंगे तो कैसे हम समझेंगे कि 180 माइनस थीटा लगाना है या 180 प्लस थीटा लगाना है। तो उसको लगाने के लिए आइए हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे आपको निकालना है 135, आपसे पूछ लिया जाए साइन 135 का मान बताइए, तो आप क्या करेंगे, साइन 135 डिग्री का इसको आप तोड़ सकते हैं, कैसे, दो प्रकार से तोड़ सकते हैं इसको, एक तो 90 प्लस थीटा में तोड़ सकते हैं और दूसरा आप इसको तोड़ सकते हैं 180 माइनस थीटा, क्योंकि आप जान रहे हैं कि 135 क्या है, 90 और 180 के बीच में है, यानी कि दूसरे चतुर्थांश में होगा। तो आप इसको दो प्रकार से तोड़ सकते हैं, 90 प्लस यानी 90 में कितना जोड़ दें कि 135 हो जाएगा, तो आपको पता होगा कि 45, और 180 में कितना घटा दें कि 135 आ जाए, तो आप समझ सकते हैं कि कितना घटा दें, 45। तो 45 हमने घटा दिया। अब हमने बताया है आपको कि साइन का अगर 90 में है तो क्या होगा, आपका चेंज होगा, और चेंज होने का मतलब है कि आपका साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, आपका हमने बताया चेंज साइन का किस में, कॉस में, थीटा के यहाँ कितना है 45। अब दूसरा, दूसरे चतुर्थांश में साइन क्या होता है, प्लस, इसलिए प्लस लगा। अब देखिए यहाँ पर आ गया कॉस, कितना आ गया कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है, हमने आपको पढ़ाया है और आपको ये सीरीज भी बनाकर दिखाई है, कॉस 45 का मान 1√2। अब देखिए अभी हमने बताया 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा मतलब दूसरे चतुर्थांश में है, और 180 में नो चेंज, इसलिए नो चेंज तो साइन का साइन ही रहेगा और 45 का 45 होगा, और दूसरे चतुर्थांश में साइन प्लस होता है इसलिए प्लस, और 45 का मान क्या होगा 1/√2। तो आशा करता हूँ कि आपको ये चतुर्थांश और जो त्रिकोणमितीय अनुपात है चेंज करना आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल। अब देखिए दोस्तों कुछ और समझ लेते हैं, जैसे हमने आपको बताया दूसरे चतुर्थांश में 90 180, ऐसे हम तीसरे चतुर्थांश का भी कुछ देख लेते हैं। जैसे अगर आपको तीसरे चतुर्थांश में क्या होगा, 180 से ज़्यादा, 270 से कम, इसलिए 180 प्लस थीटा लिख सकते हैं इसको, और ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन 270 माइनस थीटा। तो इनको देखिए दो प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताओ 225, तो आपको 225 कैसे इसको तोड़ सकते हैं, 225 को क्या तोड़ सकते हैं, 180 में कितना जोड़ दें 45, यानी कि 180 में इसको 45 जोड़ दें तब आपका क्या हो जाएगा 225। और अगर हम 270 से, अगर हम 270 में आपको देखें तो 270 में कितना घटा दें आपका 45, अगर 270 में 45 घटा दें तब हमारा आपका तो हमारा हो जाएगा तब भी दूसरे चतुर्थांश में। तो इनको हम चेंज कैसे करेंगे, अब देखिएगा कि तीसरे चतुर्थांश में हमने क्या बताया है, देखिए साइन जो होगा 180 में क्या होगा, नो चेंज, यानी कि साइन का आपका क्या होगा, साइन थीटा ही होगा। अब देखिए और साइन, अब देखिए 270 में क्या होगा आपका, 270 में हमने आपको बताया है कि चेंज, यानी कि साइन का चेंज किस में होता क्या है, कॉस में चेंज हो गया। अब देखिएगा
कि तीसरे चतुर्थांश में कौन प्लस होते हैं कौन माइनस। तो ए एस टी, टी मतलब टैन और काट प्लस में होते हैं, बाकी सब ऋणात्मक, यानी कि ये ना तो टैन है ना तो काट है, इसलिए क्या होंगे ऋणात्मक होंगे। ऐसे आप सबका मान चेंज कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। ऐसे हम अगले चतुर्थांश के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्या है कि चतुर चतुर्थांश में क्या होगा 270 से प्लस 360 से कम। आइए टैन के बारे में हम बात करते हैं। अगर आपका है 270 प्लस थीटा, तो आप जान रहे हैं किसमें आप चले गए, चतुर्थ चतुर्थांश में, 270 से प्लस 360 से कम। अब देखिए यहाँ पर अगर हमने लिख दिया टैन 360 माइनस थीटा, तब भी हम चौथे चतुर्थांश में हैं। अब देखिए क्या होता है कि 270 में क्या होगा चेंज, तो चेंज होगा तो टैन का चेंज किस में होगा, बिल्कुल आप जानते हैं काट में होगा। और यहाँ पर देखिएगा 360 माइनस थीटा, 360 में नो चेंज, यानी कि टैन का जो होगा वो टैन ही होगा। अब देखिएगा चतुर्थ चतुर्थांश में साइन यानी कि चिन्ह को देखना, ए एस टी सी, सी मतलब कॉस, और कॉस का होगा आपका सेक, ये दोनों प्लस बाकी सब माइनस, तो क्या ये है नहीं, इसलिए ये आपके आ गए। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम कुछ उदाहरण के माध्यम से उनका मान भी निकाल कर देख लेते हैं। जैसे आपको बता दिया जाए कि कॉस 225 का मान निकालिए, तो आपको तुरंत सोचना है कि 225 को हम कैसे तोड़ सकते हैं। 225 को हम दो तरीके से तोड़ सकते हैं, 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। अगर हम थीटा यहाँ पर हटा दें और थीटा के यहाँ पर क्या होगा, 180 में कितना जोड़ दें, 245 आ जाएगा, मतलब 45 जोड़ दें और यहाँ पर 45 हटा दें तो आपका आ जाएगा। अब देखिएगा इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर। अब आप बताइए कॉस 180 प्लस थीटा क्या होगा, कॉस 180 प्लस थीटा आपका जानते हैं 180 में नो चेंज, कॉस का कॉस थीटा यानी कि कॉस 45, और यहाँ पर तीसरे चतुर्थांश में है, इसलिए ये आपका क्या होगा ए एस टी सी, यानी कि टी जो आपका होगा प्लस होता है बाकी सब माइनस। 270 में आपका देखिए नो चेंज होगा तो कॉस का या आपका हो जाएगा साइन 45, और जब चेंज होगा तो आपका साइन में हो गया, और देखिए टैन सिर्फ प्लस में होता है बाकी सब माइनस में होंगे, तो ये आपका हो गया। अब देखिएगा दोनों तरीके से मान बराबर आएंगे, कॉस 45 की वैल्यू भी माइनस 1/√2 और साइन 45 की वैल्यू भी, इसलिए आप जिस भी चीज़ में तोड़ना चाहते हैं तोड़ सकते हैं। एग्जाम में सिर्फ आपको एक तरीके से तोड़ना है, या तो 180 में या 270 में, सिर्फ आपका मान वैल्यू आपकी सही आनी चाहिए। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही रेलिवेंट होगी और आपके एग्ज़ाम में और आपके सवाल को हल करने में बहुत ही मदद करेगी। चलिए दोस्तों यहीं पर आज विराम देते हैं, धन्यवाद।